अर्जेंटीना में एस शंकर ने खेला इतना बड़ा खेल अटल मोदी से भी तेज निकले। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार। तेजस ने निकाला अमेरिका चीन फ्रांस का तेज, अब हथियार किंग होगा भारत, 100 देशों तक तेजस पहुंचाएगा भारत। जयशंकर ने संभाली मार्केटिंग की कमान, टीवी पर हमारे कलाकार जुवा केसरी बोलने में मस्त हैं, लेकिन एस शंकर ने बनाया ऐसा सुपर मार्केटिंग प्लान कि दुनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के धड़कने रुक जाए। मोदी ने जिस मस्तक से एक IFC अधिकारी को विदेश मंत्री बनाया था वो कामयाब हो रहा है। ऐसा विदेश मंत्री पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, ना ही वो नेता है ना वो भाषण देता, लेकिन नब्ज ऐसा दबाता है कि सामने बैठा वाला देश भारत की शरण में आ जाता है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जयशंकर का वीडियो पूरे देश को दिखाया गया, अब उसकी ताकत पूरी दुनिया देखने वाली है। सवाल उठता है, आखिर अब अर्जेंटीना में एस शंकर ने ऐसा क्या कर दिया कि अब वो भारत भ्रमण करने को तैयार। 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के बीच बैठक हो रही थी। उस वक्त एक ऐसी डील हुई जो आमतौर पर विदेश मंत्री नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के द्वारे के दौरान होती है, यानी जो काम PM मोदी करते हैं बिल्कुल वही काम एस जयशंकर ने कर दिखाया। पहले जयशंकर ने अमेरिका पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, भारत ने एक नई पॉलिसी मूव की, वैन टेक यानी आपसे हथियार लेते हैं तो अब आपको बेचेंगे भी और आपको लेना होगा। भारत से तेजस खरीदने वाले देशों की संख्या अभी दर्जनों में है, लेकिन ये संख्या आने वाले सालों में 50 देशों तक पहुँच सकती है, जिसकी मार्केटिंग जयशंकर हर देश में करते हैं। दुश्मन देश के अलावा भारत के तेजस खरीदने वालों में फ्रांस का भी चौंकाने वाला नाम हो सकता है। मित्र देश होने के कारण फ्रांस की तरफ से ऐसा कदम उठाया जा सकता है। अर्जेंटीना में बैठकर भी जयशंकर ने कुछ ऐसा ही किया। आज तेजस की जितनी डिमांड है उसके पीछे वैज्ञानिकों के दिमाग के साथ मोदी सरकार के मार्केटिंग पॉलिसी की भी तारीफ करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद हर मौके को साबित किया। 3 साल से विदेश मंत्री बने इस एस जयशंकर ने भारत की कहानी बदलने में PM मोदी का भरपूर साथ। पहले टीवी पर विदेश मंत्री को बयान देते सुना गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तेजस बनाने वाले उस गांव के लड़की को भी जान लीजिए जिसका आइडिया था तेजस बनाना। ये है डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जिनका आइडिया था तेजस। एंड ना तो ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलता है और ना ही इनका इतिहास आगे बढ़ता। APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर तेजस लड़ाकू विमान बनाया जो आज पूरी दुनिया भारत से मांग रही है, लेकिन भारत के उस लाल को हमें भूलना नहीं चाहिए। 2005 में रिटायर हुए तो दरभंगा अपने गांव चले गए, लेकिन बिहार के एक लड़की का आइडिया आज दुनिया को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। दरअसल ये वो फाइटर प्लेन है जिसका वजन सिर्फ 6,500 किलो। इतनी कम वजन भी फाइटर प्लेन कोई भी देश इतनी आसानी से नहीं बना जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसमें लगा है इसराइल कलेडा ASM-2052 लडर लगा है, जो एक साथ दुश्मन के 10 टारगेट को ट्रैक कर निशाना बना सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, उसे उड़ाना यानी टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 460 मीटर रनवे से ही उड़ान भर सकता है, यानी एक बड़ा बगला होना 500 मीटर का भी तो ही ये उड़ान वहां से भर सकता है। ऐसा फाइटर प्लेन दुनिया में भारत के अलावा किसी के पास नहीं। अब आप ये वीडियो देखिए, यह है पाकिस्तान का वीडियो जब इमरान खान जयशंकर का वीडियो अपने घर सुना रहे हैं। विदेश मंत्री कैसा होना